आज हम बात करेंगे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, नारी शिक्षा और समानता के अधिकार के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी की, जो महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक एवं दार्शनिक थे। आत्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमड़ाबाई तथा पिता का नाम गोविंदाराव था। उनका परिवार बेहद ही गरीब था। उनकी कई पीढ़ियां पहले से ही माली का काम करती आ रही थी। वे लोग सतारा से पुणे फूल लाकर फूलों के कचरे आदि बनाने का काम करते थे, इसलिए उनकी पीढ़ी फूले के नाम से जानी जाती थी। ज्योतिबा जब मात्र 1 वर्ष के थे, तभी उनकी माता का निधन हो गया। ज्योतिबा का लालन पालन सपनाबाई ने किया। जब ज्योतिबा फुले 7 वर्ष के हुए तो उन्हें गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया, पर जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। पर उनकी पढ़ने की ललक देखकर सपनाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर पर ही पढ़ने में मदद की। घर के कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वे किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा आस पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों पर चर्चा किया करते थे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्कसंगत बातों से बहुत ही प्रभावित होते थे। ज्योतिबा का विवाह सावित्री बाई से हुआ। उस समय समाज स्त्री शिक्षा का विरोधी था, पर ज्योतिबा ने समाज के विरोध में जाकर के अपनी पत्नी को पढ़ाया। इस तरह सावित्री देवी भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक एवं मराठी कवित्री बनी। ज्योतिबा फुले ने उस समय समाज में व्याप्त जाति प्रथा, पुरोहितवाद, स्त्री पुरुष असमानता और अंधविश्वास के विरुद्ध कई सुधारवादी आंदोलन चलाए। नारी शिक्षा और समानता के अधिकार के लिए आजीवन संघर्ष करते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। इस महान समाज सेवी ने अछूतों के उद्धार के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। उनका ये भाव देखकर 1886 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। ज्योतिराव गोविंदराव फुले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुई।